हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट आर्ट सो आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेनेसांस आर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ठीक है फोटी क्वेश्चंस हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट लगे मुझे इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना देती हूँ एक एंड आई थिंक आपको ये जो एम हैं हेल्पफुल होंगे सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो एंड ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते लेट्स गो सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ड्यूरेशन ऑफ ग्रेट रेनेसांस इन इटली ये हम वेस्टर्न आर्ट की बात कर रहे हैं फिलहाल अभी ठीक है सर जब वहाँ पर रहने सहन सहायता है जैसे कि मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर एक स्टार्टिंग से सो आप आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ठीक है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी क्योंकि उसमें क्या है कि आपको जो है एक बार वेस्टर्न आर्ट की नॉलेज हो जाएगी ठीक है यानी कि जैसे कि कहाँ से शुरुआत हुई थी तो उसके बाद आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा और उसके बाद आप थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उसके ऊपर वीडियोज़ लेकर आ पाऊँ एंड टाइम भी काफ़ी कम बचा है बस मैं अभी इंडियन आर्ट हिस्ट्री कम्प्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ ठीक है अभी जामिया के तो बहुत जल्दी एंट्रेंस हो रहा है लेकिन बाकी इतने कॉलेजेस के आ, एंट्रेंस एग्जाम होगा इससे पहले मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरा आर्किटेक्चर भी कंप्लीट करा दूं ठीक है सो अभी मैं जैसे कि वेस्टर्न आर्ट तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ so, सो इसके लिए मैं एमसीक्यूज लेकर आई हूँ एंड इसके अलावा जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है so सो आप उन्हें देख सकते हैं जिसमें जिसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो वहाँ से डायरेक्टली आप उसे देख सकते हैं तो आपके जो है मेन बेसिक डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि रेनेसांस क्या था क्यों आया था कैसे था जो भी था इससे रिलेटेड जो है आपके डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे ठीक है सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द ड्यूरेशन ऑफ ग्रेट रेनेसांस इन इटली वॉर्स इसकी ड्यूरेशन क्या थी ठीक है रेनेसांस जो है इटली में कब आया था सो so, रेनेसांस जो आया था वो आया था कौन सी सेंचुरीज में फोर्टीन से सिक्सटींथ सेंचुरी के बीच में जो है रेनेसांस आया था ठीक है मेडिवल एजेस जब खत्म हो गई थी उसके बाद जो है रेनेसांस आया था फोर्टीन से सिक्सटींथ सेंचुरी में

जियटो एंड गियोवानी द ग्रासी ठीक है इसमें से जो है फादर ऑफ आर्ट ऑफ फ्लोरेंस कौन है जियोटे सो so, इसको आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हु द आर्ट टीचर ऑफ राफेल ठीक है राफेल और लियानार्डो द विंची और माइकल एंजिलो ये तीन मेन आर्टिस्ट थे जो कि नैसांस के टाइम पे काफी ज्यादा उभर कर आए थे सो so, इसमें पूछा है कि राफेल के आर्ट टीचर कौन थे ठीक है so, सो राफेल के आर्ट टीचर थे ऑप्शन दे रखे आपको परग्यूनो पिकासो सिग्नोरेली या बरॉक ठीक है एक चीज और बता दूँ कि बरॉक जो है वो एक आर्टिस्ट का नाम भी है और बरॉक जो है एक मूवमेंट भी चला था ठीक है बरॉक आर्ट मूवमेंट चला था जैसे रेनेसांस उसके बाद जो है बरॉक आर्ट मूवमेंट ही ऑलमोस्ट चला था सो परजूनो जो है यहाँ पे राफेल के टीचर का नाम है एंड बरॉक जो है वो आर्ट मूवमेंट का नाम नहीं है ये एक आर्टिस्ट का नाम भी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाचियो एंड फ्रा एंजिलो बिलोंग्स टू मसाचियो एंड फ्रा एंजिलको बिलोंग्स टू अर्ली रेनेसांस हाई रेनेसांस बरॉक स्टाइल या रोकोको स्टाइल

फोर परफेक्ट परफेक्ट बॉडी एंड फोर परफेक्ट बॉडी जो है इन्होंने कंपोज की थी पोलो यूएस नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोनालीजा बाय लेनाडो द विंची इज़ नोन इन द होल वर्ल्ड फॉर ये किस लिए जानी जाती है मोना जो है सो so, ये सभी को ही पता होगा आई थिंक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है द स्टाइल ऑफ लुकिंग द मिस्टीरियस स्माइल यूनिक हेयर स्टाइल या आर्टिस्टिक ज्वेलरी सो इसका जो आंसर है वो है मिस्टीरियस स्माइल ऑब्वियसली सी बात है ये मोना जो फेमस है वो अपनी स्माइल की वजह से ही है ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट द लास्ट सपर इज लास्ट सपर क्या है लास्ट सपर जो है एक पेंटिंग है सो इसमें पूछा है कि वो क्या है स्कल्पचर है पेंटिंग है ग्राफिक पेंटिंग है या मिनिएचर है सो लास्ट सपर जो है वो एक वॉल पर बनी हुई पेंटिंग है यानी कि एक म्यूरल है जैसे कि वॉल पेंटिंग्स को क्या कहा जाता है म्यूरल्स सो इसलिए लास्ट सपर इज अ म्यूरल वॉल पेंटिंग और ये किसने बनाई थी लियोनार्डो दा विंची ने सो so, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड इन्हें आप सर्च करके पढ़ सकते हैं ठीक है थीके? जो कि मेन तीन आर्टिस्ट हैं माइकल एंजिलो लिनार्डो दा विंची और जो राफेल इनके बारे में तो पढ़िएगा ही एंड क्वेश्चन वेस्टर्न आर्ट से भी आ जाते हैं सो आई वुड सजेस्ट कि आप बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है सर्च करके पढ़ते रहिए कोई भी टॉपिक लेके या फिर मेन आर्टिस्ट जो है आर्टिस्ट की लिस्ट सर्च कर करिए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड लियोनार्डो दा विंची पेंट द लास्ट सपर उन्होंने कहाँ पर पेंट की थी लास्ट सपर फ्लोरेंस मिलान रोम या नेपाल सो so, उन्होंने लास्ट सफर जो है मिलान के अंदर पेंट की थी नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जिन ऑफ द रॉक्स इज अ पेंटिंग बाय वर्जिन ऑफ रॉक किसके द्वारा बनी बनाई गई पेंटिंग है लिनार्डो द विंची राफेल पिकासो या बरॉक सो वर्जिन ऑफ रॉक्स जो है वो पेंटिंग है किसके द्वारा लिनार्डो द विंची की सो आपसे रिक्वेस्ट है कि लिनार्डो द विंची की जो जितनी भी पेंटिंग्स है ठीक है उसकी एक बार लिस्ट आप निकाल लीजिएगा एंड उसको एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि Uh, काफी इंपॉर्टेंट मतलब इनकी जो सारी पेंटिंग्स है वो फेमस है एंड उससे क्वेश्चन आ सकता है सो so इसलिए ज्यादा पेंटिंग्स नहीं है इनकी सो so निकाल के आप जो है उसको एक बार देख सकते हैं याद कर सकते हैं नाम नेक्स्ट क्वेश्चन है मोना लिजप इज पेंटेड इन द ईयर मोना लिजाप कौन से ईयर में पेंट की गई थी ठीक है ऑप्शन आपको दे रखे फिफ्टीन जीरो थ्री से फिफ्टीन नाइनटीन तक नाइनटीन जीरो वन फोर्टीन एटी वन या फोर्टीन फिफ्टी सो इसका आंसर है फिफ्टीन जीरो थ्री से जो है वो फिफ्टीन नाइनटीन तक चलती रही थी एक तरह से मतलब गूगल पर भी यही शो होता है तो इसलिए ऑप्शन अगर इसके बीच में से कुछ आए तो आप इसमें से टिक लगा दीजिएगा ठीक है ये सारी डेट्स जो हैं वो गलत हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वॉज पेंटेड बाई लेनाडो द विंची एंड लेटर ऑन राफेल ऑल्सो मेड अ स्केच ऑन द सेम सब्जेक्ट ये पहले तो लिनार्डो द विंची ने पेंट की उसके बाद राफेल ने इसी सब्जेक्ट के ऊपर एक पेंटिंग बनाई उस पेंटिंग का आपको नाम बताना है ऑप्शन आपको दे रखे हैं लिजा वर्जिन ऑफ द रॉक्स लीरा विद द स्वान या फिर लास्ट सफर सो लीडा विद द स्वान पेंटिंग जो है पहले दा विंची ने पेंट की उसके बाद जो है राफेल ने भी इसका जो है स्केच बनाया था लीडा विद द स्वान नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग सीन्स हैज बीन पेंटेड एज द बैकग्राउंड इन द पेंटिंग ऑफ मोना लीजा इसमें से कौन से सीन्स जो है पेंट किए गए हैं मोना लिजा पेंटिंग की बैकग्राउंड में टेम्पल सीन्स फ्रॉम नेचर चर्च या पैलेस ठीक है सो तो जिसने भी पेंटिंग देखी है वो इजीली इसका आंसर लगा सकता है सीन्स फ्रॉम नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल एंजलो द फ्रेस्को टेक्निक कहाँ से उन्होंने फ्रेस्को टेक्निक लर्न की थी ऑप्शन आपको दे रखे हैं ग्रिलान्डियो बर्टोलैंडो लेनाडो द या याफिल राफेल सो माइकल एंजलो ने जो है अपनी फ्रेस्को uh, टेक्निक है वो लर्न की थी ग्रिलाांडियो से ऑप्शन है ग्रिलान्डियो आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ दॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेफरेंस टू माइकिल एंजिलो ठीक है माइकल एंजलो के रेफरेंस में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है पेंटर एंड स्कप्टर ओनली स्कप्टर ओनली पेंटर ही वॉज अ स्कप्टर पेंटर एंड आर्किटेक्ट सो इसका आंसर है ही वॉज अ स्कप्टर पेंटर एंड आर्किटेक्ट एज वेल ठीक है वो तीनों चीज थे स्कप्टर भी थे पेंटर भी थे और आर्किटेक्ट भी थे नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीलिंग ऑफ स्टीन चैपल बिलोंग्स टू सीलिंग ऑफ सिस्टीन चैपल कहाँ से बिलोंग करती है रशिया जर्मनी इंडिया या रोम सो सीलिंग ऑफ सिस्टीन चैपल जो कि माइकल एंजलो ने पेंट की है वो बिलोंग करती है रोम से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हु इज नोन एज द फादर ऑफ बरॉक आर्ट ठीक है अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि बरॉक आर्ट जो है मूवमेंट चला था सो बरॉक आर्ट के फादर कौन है माइकल एंजलो मेरी सिरावेजियो ठीक है वैसे इनको शॉर्ट फॉर्म में कैरावेजियो कहा जाता है एंड दो लोग हैं ये जैसे इसमें माइकल एंजलो मेरी सीसी दे रखा है कैरावेजो सो माइकल एंजिलो अलग है कैरा जो है वो फिफ्टीन सेवेंटी वन में बॉर्न हुए थे और माइकल एंजलो जो है वो समथिंग सेवेंटी फाइव में बॉर्न हुए ठीक है इस चीज का आपको ध्यान रखना है पूरा नाम देखना है आपने ऐसे नहीं है कि माइकल एंजिलो देख के टिक लगाते या फिर कैरा वैजो में आप कंफ्यूज हो गए सो पूरा नाम है माइकल एंजिलो मेरी से कैरा वैजटीन सेवेंटी वन में बॉर्न हुए थे ठीक है ये बरॉक आर्ट के फादर थे एंड फुल नेम ऑफ माइकल एंजलो पूछा है पे माइकल आपको डी लोडोविको ब्योनो साइमोनी फोर्टीन सेवेंटी फाइव ठीक है माइकिल एंजिलो नन ऑफ द अब सो पूरा नाम माइकल एंजिलो का क्या है माइकल एंजिलो डी लोडोविको बोनोरोमोनी फोर्टीन सेवेंटी फाइव में ये बॉर्न हुए थे ठीक है इसका आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द लास्ट जजमेंट हैज बीन पेंटेड बाय लास्ट जजमेंट किसने पेंट की है ठीक है लास्ट जजमेंट जो है वो पेंटिंग है माइकल एंजिलो ने बनाई है टाइटन्स रूबेन्स लेना ची या फिर माइकल एंजिलो ठीक है सो लास्ट जजमेंट जो है वो माइकल एंजिलो ने बनाई है वट वॉज नेम ऑफ राफेल राफेल का पूरा नाम ऑप्शन आपको दे रखे जॉन राफेल राफेल सेंजियो राफेल राफेल या मैक ठीक है राफेल सेंजियो उनका जो है पूरा नाम है अभी मैंने आपको माइकल एंजिलो का नाम बताया लियोनार्डो लोनार्डो विंची का नाम आपको पूरा पता है एंड यहाँ पे राफेल का नाम है राफेल सेंजियो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन पेंटेड बाय राफेल इसमें से कौन सी पेंटिंग जो है राफेल ने बनाई है ऑप्शन आपको दे रखे हैं मोना द बर्थ ऑफ वीनस द स्कूल ऑफ एथिन द स्लीपिंग वीनस सो राफेल के द्वारा बनाए गए पेंटिंग का नाम है स्कूल ऑफ एथीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू राफेल्स फादर वॉज अ पेंटर हिज नेम वॉज राफेल के जो फादर थे वो पेंटर थे उनका नाम बताना है आपको जियोटो परजियोनो पिंटू रिक्यो या ज्योवनी शांति सो इनके फादर का नाम था जियोनी शांति ठीक है बड़े अजीब अजीब से नाम है ये बट कोई नहीं आपको पढ़ना पड़ेंगे ही जियोवनी शांति उनके फादर का नाम था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री

उनको मतलब अकेले में काम करना पसंद था ऑप्शन आपको दे रखे हैं लेनाडो का वेंची माइकल एंजिलो जामिनी रॉय या पिकासो ठीक है सो माइकल एंजलो इकलौते ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्हें अपने फ्रेंड्स कलीग स्टूडेंट्स के साथ वर्क करना पसंद नहीं था वो अलग से वर्क करते थे एंड ये इतने पागल थे मतलब एक तरह से ये समझिए कि मतलब आर्ट के पीछे इतने ज़्यादा वो थे कि ये जो है डेड बॉडीज भी ले आए थे एक बार मतलब डेड बॉडी भी ले आए थे ताकि एनाटॉमी की स्टडी कर सके ठीक है लिनार्डो का विंची माइकल एन वैसे बैन था उस टाइम पे कि आप डेड बॉडीज नहीं रख सकते हैं या फिर ऐसे कुछ काम नहीं कर सकते हैं लेकिन ये चोरी छुपके जो है इसको स्टडी करने के लिए लेकर आए थे एंड ऑलमोस्ट फुल टाइम जो है ये आर्ट करते थे एंड बहुत ही ज्यादा क्रेजी आर्टिस्ट थे एक तरह से आप कह सकते हैं इनके बारे में आप कभी पढ़ेगा आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग इनके बारे में आपको चीज़ें पता चलेंगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द आर्टिस्ट हु बिलोंग टू हाई रेनेसांस पीरियड अभी मैंने जैसे आपको नाम बताया था कौन कौन से आर्टिस्ट हैं लिनार्डो दा विंची माइकल एंजलो और राफेल ठीक है ये जो आर्टिस्ट हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बिलोंग करते हैं हाई रेनेसांस पीरियड से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हाउ मेनी पेंटिंग्स ऑफ वर्जिन मैरी वर पेंटेड बाय राफेल वर्जिन मैरी की कितनी पेंटिंग्स जो उन्होंने बनाई थी अबाउट ट्वेंटी अबाउट फिफ्टी अबाउट फिफ्टीन अबाउट सिक्सटी सो अबाउट फिफ्टीन पेंटिंग्स जो है राफेल ने पेंट की थी वर्जिन मैरी की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच आर्टिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइक टू प्ले फ्लूट फ्लूट किसको पसंद थी ऑप्शन दे रखे जॉर्जॉइन कॉर्जियो टाइटियन या वेरोस सो so, जॉर्जन जो आर्टिस्ट थे उनको जो थी फ्लूट बजाना पसंद था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द बर्थ ऑफ वीनस हैजीन पेंटेड बाई बर्थ ऑफ वीनस जो है काफ़ी फेमस पेंटिंग है सो so, ये किसने पेंट की है ये पेंट की है ऑप्शन आपको दे रखे राफेल टाइटन बॉटीचैली या वेर, वेरोशियो सो so, ऑप्शन इन चार ऑप्शन में से जो आंसर है वो है बॉटी सेली बॉटी सेली बॉटी केली जो भी ये इसका आंसर है ठीक है बर्थ ऑफ वीनस हैज बीन पेंटेड बाय बॉटी सेली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वेन आई यूज टू थिंक दैट आई एम लर्निंग हाउ टू लिव एक्चुअली आई वॉज लर्निंग हाउ टू डाई दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाय ठीक है सो ये स्टेटमेंट किसने बनाई मतलब किसने दी है राफेल माइकल एंजलो लिनार्डो दी रैमब्रांड सो वन आई यूज टू थिंक दैट आई एम लर्निंग हाउ टू लिव एक्चुअली आई वॉज लर्निंग हाउ टू डाई ये स्टेटमेंट दी है लिनार्डो ने नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्रिएटेड द स्टैचू ऑफ डेविड डेविड का स्टैचू किसने क्रिएट किया काफी फेमस है पता ही होगा आपको ये माइकल एंजेलो ने क्रिएट किया Next है ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन मेडोना एंड चाइल्ड विद सेंट एनी एंड लीडा विद स्वान ये दोनों पेंटिंग किसके द्वारा है ठीक है आपको दे रखे हैं पिकासो या so, जो दिंना एंड चाइल्ड विद सेंट एनी ये प्लस लीडा विद द स्वान जो ये पेंटिंग ये है विंची की नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लानिंग टू क्रिएट अ ह्यूज मार्बल स्टैचू वेन ही फेल इल एंड डाइड द स्टैचू वॉज 1564 में माइकल एंजलो जो है एक बड़ा स्टैचू मार्बल स्टैचू बनाने की सोच रहे थे जब वो बीमार पड़ गए थे ठीक है सो so, उस स्टैचू का नाम आपको बताना है क्रूसी ठीक है क्या नाम है क्रूसी फिक्शन नेक्स्ट है हाउ हाउसो रिलेटेड टू राफेल परज्यूनो जो है रिलेटेड टू राफेल यानी राफेल से कैसे उनका रिलेशन क्या रिलेशन है ठीक है स्टूडेंट आर्ट टीचर रिलीजियस या रिलीजियस uh, रिलीजन है कोई या फिर सर्वेंट सो so, इसका आंसर है आर्ट टीचर जो परजुना है वो राफेल के आर्ट टीचर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिएटा बाय माइकल एंजलो एक्सप्रेसिस है माइकल एंजलो का एक फेमस स्कल्पचर है श्रृंगार रस करुण रस या वात्सल्य रस या वीर रस सो so, पिएटा जो है माइकल एंजलो का ये एक्सप्रेस करता है करुण रस क्योंकि उसमें काफी ज्यादा सैडनेस दिखाई गई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव डोमिनिको ग्रिलियो वॉज द सन ऑफ ये किसके बेटे थे डोमिनिको ग्रिलैंडियो इनका फुल नाम है ग्रिलैंडियो का ये जो है ये बेटे थे गोल्ड स्मिथ के ठीक है किसके बेटे थे गोल्ड स्मिथ के नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीलिंग्स सीलिंग्स ऑफ ऑफ सिस्टीन सिस्टीन चैपल चैपल बिलोंग्स टू रोम रोम एंड पेंटेड बाय से बिलोंग करती है क्वेश्चन आ गया एंड ये किसने पेंट की है ठीक है ये पेंट की है माइकल एंजलो ने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटिंग बाय सैंड्रो बोटी चैली ऑप्शन आपको दे रखे हैं मोनालीजा द अर्थ

दी आर्ट ऑफ सेवनटीन टू एटीन सेंचुरी हैज बिन एक्सेप्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन द सेवनटीन से एटीन सेंचुरी की आर्ट जो है ब्रिज एक्सेप्ट की जाती है किसके बीच में सो so ये ब्रिज है मतलब एक तरह से सेवनटीन और एटीन के आर्ट जो है वो बरॉक आर्ट है रेनेसांस आर्ट और मॉडर्न आर्ट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करती है जैसे कि फोर्टीन से सिक्सटीन सेंचुरी में रेनेसांस देन उसके बाद जो है सेवनटीन से एटीन सेंचुरी के अंदर ये बरॉक आर्ट चली थी उसके बाद जो है मॉडर्न आर्ट आ गई थी मतलब बीच में काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए थे लेकिन जो मेन है एक तरह से वो ये है सो so, इसका आंसर है रेनेसांस आर्ट और मॉडर्न आर्ट के बीच में जो है एक ब्रिज की तरह है ये सेवनटीन से एटीन सेंचुरी की जो आर्ट है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी लास्ट क्वेश्चन फेमस आर्टिस्ट बिलोंग्स टू फेमस बरॉक आर्टिस्ट कैरा जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं ऑप्शंस आपको दे रखे जर्मनी होलैंड स्पेन या इटली सो so, इसका आंसर है इटली ये कैराबज्जो जो है वो इटली से बिलोंग करते हैं सो so, आज की वीडियो में इतना ही एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे या फिर एक बार आप दोबारा से मतलब जब आप वीडियो देखेंगे तो रिविजन के लिए आप दोबारा देख लीजिएगा ठीक है मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में एंड टेक केयर बाय बाय अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए कमेंट करके बताइए आपको कोई भी डाउट है तो मैं उसका आंसर वहाँ पे करूँगी एंड टेक केयर बाय बाय मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ गाइज लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये थोड़ी बहुत भी वैल्यूएबल लगी है प्लीज़ 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 लाइक इट